ये देखो आपको ऐसे जैक को सेट कर लेना है, और ये कुंदा है ना इसके बीच में डल जाएगा, देखना अभी जाके ये ऊपर होने लग गया गाइस धीरे धीरे। ये देखो गाइस, ये देखो अभी ये जैक इसके अंदर एसेसरी के अंदर लग चुका है। से हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैक भाई एसटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का टाइम है दोस्तों, रात सुबह सुबह गया तुम्हारा भाई, तुम्हारे को छोटा छोटा ज्ञान निकल गया। मुझे पता है तुम सब हैवी ड्राइवर हो, लेकिन गाइस हैवी ड्राइवर के साथ मैं आपको थोड़ी जो गाड़ी के छोटे मोटे इमरजेंसी किट होता है, टूल्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे आपकी बाई चांस मान लो आपकी गाड़ी आप कहीं जंगल में जा रहे हो, जंगल में नहीं तो बाय रोड ही जा रहे हो, वैसे मान लो कहीं आपका टायर पंचर हो गया, आपको स्टेप लगानी है, और स्टेप लगाने के लिए आपको स्पेल क्या करना होगा, आपको गाड़ी को ऊपर करना होगा जैक के थ्रू। तो भाई जैक के थ्रू अब जिनको जैक ही लगाना नहीं आता अब वो तो भाई पता नहीं क्या करेंगे। तो उठा ले ऐसे ऐसे कोई दो तीन बॉडी बिल्डर होंगे तो भाई वो तो ऐसे ही करेंगे, उठा ले एक मिनट लगा के खड़ी कर देंगे गाड़ी को। लेकिन आप दुबले पतले इंसान हो तो आप क्या करोगे, या फिर किसी टायर के ऊपर कोई पत्थर वगैरह उसके ऊपर चढ़ाई कर लेंगे, लेकिन आप क्या करोगे। इसलिए आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का जो कि आपकी गाड़ी के साथ में आता है, जो कि इसका नाम है जैक। और ये जैक गाइस हर जगह काम करता है, पॉलिटिशियन में भी काम करता है और कॉलेज में भी काम करता है और हर जगह काम करता है। तो भाई चलो जैक लगाना सिखाते हैं कि आपको गाड़ी के अंदर जैक कैसे लगाते हैं। बाकी ये आपको पीछे अपनी डिग्री के अंदर मिल जाएगा जैक लगाने का टूल, और इसमें दो टूल्स आते हैं गाइस, फर्स्ट तो ये है और सेकंड ये इसको घुमाने के लिए ताकि आप ऊपर कर सके। चलिए गाइस आपको बताते हैं। और ये जो गाड़ी अपने पास है गाइस स्विफ्ट डिजायर है, तो अगर किसके पास सेम गाड़ी हो तो भाई उसके लिए तो बिल्कुल मौज है भाई, करती है अंबानी लाज। ये अपन उठाने वाले हैं, कौन सा उठाएं बताओ, पीछे वाला आगे वाला बताओ, बताओ सर, आगे वाला उठाते हैं। तो आपको देखो गाइस हर जगह नहीं लगाना, जैसे आप यहाँ पे लगा दी तो गाइस आपकी जो है ना एसेसरी ये खराब हो सकती है, इसको खराब कर सकता है। तो गाइस ये देखो भाई यहाँ पे ये जैक के पॉइंट्स आते हैं, ऐसे हुक लगा हुआ कुंदा सा नहीं है, ऐसे कुंदे चारों साइड मिलते हैं आपके टायर के, तो उसके अंदर गाइस ये देखो ऐसे फिट होता है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा, ये देखो ऐसे ये जैक लगा दिया, ये है ना इसका पॉइंट बीच वाला, इसके अंदर जाएगा वो जो ऊपर से निकल रहा है ना कुंदा, ये इसके अंदर लग जाएगा। उसके बाद में आप इसको इसके अंदर लगा के और गोल गोल घुमाना है, बाकी दिखाता हूँ गाइस मैं आपको ऊपर करके थोड़ा। तो भाई पकड़ो उस कैमरे को, तो ये देखो ये लगा दिया अपन ने, तो इसको ऊंचा कर लेते हैं गाइस दोबारा। तो भाई ये देखो आपको ऐसे जैक को सेट कर लेना है, और ये कुंदा है ना इसके बीच में डल जाएगा, देखना अभी जाके ये ऊपर होने लग गया गाइस धीरे धीरे। ये देखो गाइस, ये देखो अभी ये जैक इसके अंदर एसेसरी के अंदर लग चुका है, अब फिट हो चुका है। अब इसको घुमाएंगे तो अपनी गाड़ी है जो ऊपर उठेगी, देखना भाई अब अपनी गाड़ी उठने लग गई है गाइस। और ये देखो भाई आपको ऐसे घुमाना है भाई, पीछे को दिखा, ये देखो भाई गाड़ी ऊपर हो रही है। ये देखो भाई यहाँ पे जो सस्पेंशन है उन्होंने जगह छोड़ दी अपनी, ये देखो भाई, ये देखो भाई ऐसे है जो आप अपनी गाड़ी को उठा सकते हैं प्रॉपरली तरीके से। ये देखो भाई अब इतना कुछ जैक खोल दिया अपन ने, और ये वाली जो पिन आती है ना इसको आपको यहाँ फंसाना है, देखो भाई ऐसे, और जैसे जिस साइड घूमिए मतलब जिस साइड से ऊंचा हो उस साइड लगा देना है। और ये देख लो भाई जैक का पॉइंट ढंग से, कईयों को नहीं पता होता है वो उल्टी उल्टी जगह लगा देते हैं। और ये जो अभी अपना टायर है वो फ्री हो चुका है भाई, ये देखो अब इसको आप ये चार नट बोल्ट खोलो यहाँ से निकालो, उसके बाद आप अपनी स्टेपनी को चेंज कर सकते हैं। तो गाइज बताना हम इसको नीचे कर देते हैं वापस से। होप गाइस आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि भाई जैक वगैरह जो गाड़ी के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं। बाकी अगर आपको गाड़ी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह हो देन आप कमेंट कर सकते हैं, और आपका उसका जवाब मुंह पे फेंक के अगले दिन या तो वीडियो के साथ दिया जाएगा या फिर टेक्स्ट के थ्रू दिया जाएगा। चलिए गाइस कुछ समझ में आया हो तो लाइक करना, नहीं आया हो तो भी लाइक करना। बाकी और कुछ कंटेंट बनाना है गाड़ी के ऊपर तो गाइस प्लीज़ सजेस्ट करना। चलिए गाइस आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बाकी मिलता हूँ उसकी ऐसी न्यू ब्लॉग न्यू कॉन्टेंट। बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग।